For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हम सबको पॉजिटिविटी का मैसेज देने वाले, हम सबको ये समझाने वाले कि नेगेटिव सिचुएशन में आपके पास कोई सहारा नहीं है सिवाय पॉजिटिविटी के, ये समझाने वाले इरफान खान खुद आज इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं आपके पास लेकर आई हूँ उनका वो आखिरी मैसेज। जी हाँ, ये आखिरी मैसेज हालांकि इस वक्त का नहीं है, ये है फिल्म अंग्रेजी मीडियम के प्रमोशंस के टाइम का, जब इरफान ने इस पूरी स्टोरी को रिवील किया किस तरीके से वो कैंसर से जूझे, पूरा एक साल उन्हें लगा रिकवर होने में। उस वक्त इरफान ने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था, वहाँ पर इरफान खान ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को अपनी शरीर से बाहर निकालना चाहता हूँ जो अनवांटेडली मेरे अंदर आकर बैठ गया, यानी उस बीमारी की बात कर रहे थे इरफान। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त बहुत टूटा हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिम्मत है, एक पॉजिटिविटी है जो मैं खुद भी बांधना चाहता हूँ, और अपनी फैमिली और फैंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक पॉजिटिविटी लेकर अंदर चलिए। इरफान ने ये भी कहा कि जैसे कहावत होती है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, आप लेमनेड बनाओ, लेकिन लेमनेड तो बहुत दूर की बात है, जब लाइफ हमें ऐसा कुछ झटका देती है तो हम शिकंजी तक नहीं बना पाते, उल्टा हमारे माथे पर शिकंज आ जाती है कि किस तरीके से हम ये ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, और वेट फॉर मी। जी हाँ, जाते जाते इरफान खान ने ये ज़रूर कहा था कि वेट फॉर मी। अब हम उस शख्स को खो चुके हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उनकी फिल्में हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगी, और उनका अच्छा काम, जिस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को काम दिया है, जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया है हर किसी को, ये ज़रूर हर इंसान के दिलों दिमाग पर छाया रहेगा। इरफान खान जाते जाते भी हमें ये सिखा गए कि हर मुश्किल से, हर मजबूरी से लड़ना चाहिए, ना कि गिवअप करना चाहिए। जब तक वो लड़ सकते थे वो लड़े। इरफान खान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।